हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत हो रही है अभी दोपहर के टाइम से, तो मैं यहाँ पर ना खाना पीना जो है ना वो बनाने की तैयारी करूँगी। और थोड़ी सी मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक नहीं आ रही होगी, वैसे इस बात पर मैं आज आप लोगों से ज़्यादा मतलब इस टॉपिक को लेकर नहीं ज़्यादा बात करूँगी, नहीं तो फिर आप लोग सोचोगे कि बस ये अपनी तबीयत है यही सब बताती रहती है। तो क्या है ना कि थोड़ा सा यही सर्दी जुकाम के चक्कर में ना मेरी आवाज़ वॉइस अच्छी नहीं आ रही होगी। और वैसे मैंने अभी दवाई ली है तो सर्दी तो ऐसा है थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई है, पर खांसी वाला थोड़ा सा फर्क लगा है, लेकिन उतना अच्छे से आराम नहीं मिला। तो देखती हूँ फिर, अब दवाई तो मैंने खा ली पर कोई फ़र्क समझ नहीं आ रहा है, तो देखती हूँ और अपने से ही कुछ करूँगी, तब जाके पता मतलब थोड़ा बहुत है ना आराम लगेगा। तो अभी क्या है ना, एकदम से मौसम वगैरह हर चीज़ चेंज हो रहा है हमारे यहाँ ना। अभी 2-3 दिनों से ना मुझे लगता क्या है, मैं मतलब इतना वो कर रही हूँ कि ठंडी सी लग रही है, मतलब हमारे इस साइड को एकदम से अचानक से ना रात में इतनी ठंडी सी लगती है। तो बिल्कुल एकदम पंखा है ना मध्य करके एकदम सोना पड़ता है, या तो फिर मैं बंद ही कर देती हूँ, क्योंकि कोई कोई हमारे इधर के जो पंखे हैं ना वो वैसे वाले नहीं है जो थोड़ा धीमा कर लो तेज कर लो, एक में नहीं है, बाकी दो में ठीक है। कार्तिक जहाँ सोता है ना उसमें तो ठीक है कि हमने वो स्विच जो है ना उसका धीमा और तेज करने वाला बटन है ना उसमें लगा है, लेकिन हमारे उस वाले रूम में ना लास्ट वाले में उसमें नहीं लगा। तो वही है ना, रात में जब पंखा चालू करो तो इतनी ठंडी सी लगती है कि मुझे रात भर नींद ही नहीं आई। और फिर मैंने सोचा कि पंखा उठ के बंद करके सोऊं, तो वो भी हिम्मत नहीं उठने की। तो तबीयत के कारण ना ऐसा ही होता है, क्या पता मेरी तबीयत के कारण मुझे लग रहा है या फिर ठंडी है या नहीं, मैंने इनसे पूछा नहीं, क्योंकि मैंने सोचा अभी सर्दी जुकाम चल रहा है मेरा, सिर्फ सबका ठीक हैगा मेरे घर में, मेरे हस्बैंड भी उनकी ठीक हो गई है सर्दी, तो मुझे ही बस है। तो मैंने कहा एक दिन और देखते हैं फिर पता चलेगा। तो फिर दूसरे दिन ना मेरे हस्बैंड सुबह सुबह खुद ही बोलने लगे हैं ठंडी सी लग रही है, तो जो जितने भी जैकेट वगैरह हैं और स्वेटर सब निकाल लेना तो धो देंगे करके बोल रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि हाँ सच में ठंड सी आ रही है, तो और विंटर स्टार्ट होने वाली है तो है ना सारे ब्लैंकेट वगैरह निकालने पड़ेंगे और फिर उनको धोएंगे फिर यूज करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे यूज नहीं करूँगी, पता नहीं क्यों मुझसे तो वैसे रहा ही नहीं जाएगा उस तरीके से कि ब्लैंकेट निकाल लो और फिर उसके बाद ना ऐसे ही ओढ़ लो। मैं ना जब तक उनको धो नहीं लूँगी जब तक मैं इस उनको यूज नहीं करती। तो चलो ये वाले काम भी करने हैं, 1-2 दिन बाद से करेंगे। तो बस मेरी जो सर्दी है ना उसी को लेकर मैं अभी थोड़ा ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ, और मैं कपड़े का तो काम कर ही नहीं पा रही हूँ कुल मिला के। बस ये है कि साफ़ सफाई में भी लगी हूँ थोड़ी थोड़ी करके, धीरे धीरे करके तो वो कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ, आज बना क्या रही, बन गया है छोले की सब्जी बनाई है, चावल और थोड़ी सी पूरी बना रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने, कार्तिक ना 2-3 दिनों से पुलाव के लिए बोल रहा था, मैंने बनाया नहीं पुलाव ना, बना नहीं अभी। तो मैंने ना थोड़ी सी जो सब्जी है ना बनाई थी वो सारी निकाल के और दूसरे बर्तन में करके रख दी थी, और थोड़ा सा सब्जी उसी में रहने दी थी, और उसके बाद मैंने जो थोड़े से चावल है ना उसी में मैंने मिला के छोले की सब्जी में, तो चावल की तरह बना दिए छोले मतलब पुलाव की तरह, बहुत अच्छे बन गए थे। कार्तिक को ना बहुत पसंद आए थे, उसने वही खाए थे छोले वाला जो पुलाव मैंने इंस्टेंट ऐसे ही बना दिया था सब्जी मिला के, तो उसको बहुत अच्छा लगा, पसंद आ गया था, तो उसने वही खाया था। और मैं यहाँ पर
हस्बैंड के लिए थोड़ी सी पूरी निकाल रही हूँ। तो कढ़ाई ये कल की ही रखी थी, तो इसमें है ना तेल रखा ही था, तो मैंने कहा चलो जल्दी से इनके लिए पूरी बना देती हूँ। तो मैं तो सब्जी चावल जो है ना वो खा लूँगी। फटाफट से मैं यहाँ पर बेल कर रख रही हूँ और बस यहाँ पर मैं पूरियाँ जो है ना सेक दूँगी। मैं नहीं खाऊँगी, पता नहीं क्यों मुझे ना अच्छी नहीं लगती। मुझे तो पूरी ना चाय के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, वो भी सुबह सुबह। बाकी ऐसे मैं बहुत कम है कि खाती हूँ, बहुत ही एक आध अगर खा ली तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं खा पाती हूँ। तो मैं ना बस यहाँ पर ये काम भी कर दे रही हूँ, जल्दी से पहले लंच बना लेते हैं, बन ही गया है। तो ये पूरी बस निकालना बाकी रह गया था। आजकल ना मैंने ये वाली जो चीज़ है ना ये भी बहुत ही कम कर दी हैं। पराठे तो बनते ही थे, पता नहीं क्यों आजकल ना पराठे भी मैंने बनाना बंद कर दिए ज़्यादा, और पूरी वगैरह। पूरी तो बहुत कम बनती है मेरे घर में, बहुत मतलब कभी कभार, वो भी तभी बनेगी जब हस्बैंड को, मतलब हस्बैंड के लिए बस मैं बनाती हूँ। तो मतलब है ना मैं उतना खाती नहीं हूँ। कार्तिक भी खाता है लेकिन वो भी बस वही सब्जी वगैरह में खाता नहीं है, वो भी अचार वचार में खाता है। तो ऐसे करके ना फिर इसलिए, और ज़्यादातर मतलब है ना स्कूल के टाइम में जब कार्तिक को तो मैं बहुत ही कम मतलब स्कूल के टाइम में सुबह सुबह देती हूँ। वो भी 15 दिन करीब ऐसे हो जाते हैं तब जाके एक आध दिन उसको टिफ़िन में बनाती हूँ, नहीं तो वो ज़्यादातर या तो पराठा या कुछ और पुलाव वगैरह ऐसी चीज़ है वो लेके जाता है। तो थोड़ा सा हेल्दी टाइप में बना के देती हूँ, पुलाव जैसे देती हूँ ना, तो उसमें सब्जी वगैरह डाल के और पराठे और सब्जी बना के देती हूँ, रोटी भी देती हूँ। तो रोटी ऐसी सब्जी में वो ज़्यादातर खाना पसंद करता है, जो उसके पसंद की सब्जी हो तो उसमें वो रोटी ले जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा ये भी रखा हुआ था सुबह मॉर्निंग का पोहा और थोड़ी सी भजिया, तो वो भी मैंने साथ में रख लिए। और ये देखिए हमारा खाना रेडी हो गया है, चावल और छोले की सब्जी, पूरी, और मैंने पापड़ सेक लिए थे, और यहाँ पर कार्तिक के लिए छोले का पुलाव। तो हमने देखिए सारा खाना यहाँ पर रख लिया है एक साथ, और सभी चीज़ें क्योंकि हम लोग साथ बैठ जाते हैं ना एक साथ, तो सब लोग खाते हैं साथ में, तो सब चीज़ें यहाँ पर रख लेती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड के लिए भी थाली निकाल दी है। कार्तिक देखिए अपना पुलाव जो है ना वो खा रहा है और कह रहा था मम्मी अच्छा लग रहा है, तो उसने बढ़िया से खा लिया था। अभी मैं आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग में मिल रही हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, और मतलब हम दोनों के लिए, हस्बैंड और मेरे लिए। कार्तिक स्कूल जा चुका था, कार्तिक के स्कूल जाने के बाद मैंने ये नाश्ता जो है ना बनाया। तो बढ़िया हेल्दी सा एक सुबह सुबह मैं ब्रेकफास्ट ये बना रही हूँ, सिंपल सा। इसमें ना मतलब कोई गैस का काम नहीं है, बस ये मैंने देखिए चने हैं ना धो के और अच्छे से फुला लिए थे, फिर उसके बाद ना इनको मैंने डब्बे में भर के रख दिए थे, तो एक ही दिन में अंकुरित हो गए थे, 1 से 1.5 दिन में ऐसे। फिर डब्बे में भर के मैंने फ्रिज में रख दिए थे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धो लिए हैं, वैसे धुले हुए रखे थे लेकिन चिपचिपे से टाइप के ना हो गए हों इसीलिए मैंने धो लिए थे, तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मैं धो लिए मैंने। और यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, खीरा, टमाटर, बस यही चीज़ें मेरे पास थी सैलेड में, तो ये चीज़ें मैंने देखिए डाल दी हैं। और उसके बाद मेरे पास ना खड़ी मूंग और नहीं थी, नहीं तो वो भी मैं भीगने के लिए फुला के रख देती, तो वो भी डाल दो ना तो काफ़ी अच्छे लगते हैं स्प्राउट। तो और ये वाला स्प्राउट मतलब इस तरीके का बनाओ ना तो कार्तिक को बहुत पसंद आता है, कार्तिक को भी, तो जब वो आएगा ना तो मैं उसको बना कर दे दूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाला है, थोड़ा सा काला नमक डाला है, और ये थोड़ा सा चाट मसाला,
थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर हल्का सा, और उसके बाद मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और यहाँ पर मैंने सामने देख रहे होंगे आप, मैंने दाल भी भिगो के रख दी है। तो अभी दोपहर के खाने में दाल चावल बनाऊंगी सिंपल सा। तो दाल ना थोड़ा सा भिगो के रख दो, तो उससे क्या है ना, थोड़ा दाल ना जल्दी भी बन जाती है और अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसमें जो स्प्राउट सैलेड बना रही हूँ इसमें सारी चीज़ें डाल दी है, इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और काफ़ी सारा बन गया था, तो आधा मैंने ले लिया था, आधा हस्बैंड को दे दिया था। सुबह सुबह आज मैंने यही ब्रेकफास्ट किया था, बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी और अच्छा रहता है खाने में भी। तो मैं तो अभी सुबह सुबह यही खा रही हूँ, इसी तरीके का, ज़्यादा तेल मसाले वाला नहीं ले रही हूँ। तो देखिए मैंने सिंपल सा, बहुत दिनों से ना ये बनाया भी नहीं था, तो मेरी इच्छा हो रही थी तो मैंने ये बना लिया। तो बढ़िया हेल्दी मॉर्निंग के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा ये वाला वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो बस चलिए मैं मिलूँगी आप लोगों से किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।